हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं दीपक और आप देख रहे हो दीपक सेलर यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, अमेजोन का ग्रेट इंडियन सेल और फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे सेल दोनों भी सेल आ रहे हैं। फेस्टिवल सीजन आ रहे हैं, आप लोगों का शॉपिंग करने का मन होगा यही देख के अमेजोन और फ्लिपकार्ट सेल लेके आ रहे हैं। दोनों भी सेल स्टार्ट हो गए 29 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक। इस सेल में आप लोगों के पैसे बचाने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आप लोग श्योर हो जाओगे कि वीडियो के एंडिंग में कुछ मैं ऐसे 5 बातें या फिर 5 टिप्स दूंगा जिसकी मदद से आपके लगभग 1 से 1.5 हज़ार इस सेल में बचने वाले। तो दोस्तों, दोनों ही सेल के बारे में बात करेंगे, उसके बाद वो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अमेजोन ग्रेट इंडिया सेल में आप अगर SBI का कार्ड, मतलब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज़ करोगे तो वहाँ पर आप लोगों को 10% तक का ऑफ या 10% तक डिस्काउंट वहाँ पर मिल सकता है। बात करेंगे अमेजोन पे आई सी आई सी बैंक क्रेडिट कार्ड पर आप लोगों को 5% रिवॉर्ड मिलेंगे। यहाँ पे नो कॉस्ट EMI बहुत से मतलब कार्ड पे, बजाज पे आप लोगों को नो कॉस्ट EMI मिल सकता है 6 महीने तक, और बहुत सारे क्रेडिट कार्ड पे आप लोगों को 6 महीने तक नो कॉस्ट EMI मिलेगा। बात करें स्मार्टफोन परचेस की, तो स्मार्टफोन पे अप टू 40% तक का इस सेल में ऑफ रहने वाला है। 75% तक आप लोगों को होम अप्लायंस पे आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा, जिसमें आ गया TV, फ्रिज और इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जिसमें आप लोगों को 75% तक का बोल रहा हूँ, क्योंकि 75% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। अगर आप लोगों को किताबों में इंटरेस्टेड हो या किताबें पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हो तो यहाँ पर आप लोगों के 20 से 70% तक के पैसे बच सकते हैं। तो आप इस सेल में इस भी ऑफर को लूट सकते हैं। हम बात करेंगे फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल्स की, तो सेम डे ये सेल लॉन्च हो रहा है 29 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक। इस सेल में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड पे आप लोगों को अप टू टेन परसेंट ऑफ रहेगा। मैक्सिमम उसमें कुछ अमाउंट सेट किया जाएगा, लगभग 1.5 से 1 हज़ार, उस अमाउंट तक आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा। बात करेंगे मोबाइल की, तो साल में सबसे लोएस्ट प्राइस रहेगी इस सेल में मोबाइल के। अगर आप लोग कोई मोबाइल परचेस करने का सोच रहे हो तो फिक्स कर लीजिए कि आपको कौन सा डिवाइस परचेस करना है और उस हिसाब से उसे शॉप करने की कोशिश कीजिए कि उसका प्राइस कितना कम होता है। साल में आप लोगों को इस साल के सबसे कम प्राइस मोबाइल के इस सेल में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेसरीज पर आप लोगों को अप टू 90% तक का ऑफ मिलेगा, तो वहाँ पर आप लोगों को कुछ एक्सेसरीज लेनी होगी तो उसका भी लिस्ट आप बना के रेडी रखिए। TV एंड अप्लायंस पे आप लोगों को 90% तक का ऑफ मिल सकता है। तो आप लोग कोई TV वगैरह परचेस करने का प्लान है तो यह अभी उसका मॉडल बडल सर्च करके रेडी रखिए। फैशन पे, मतलब कपड़ों पे, लाइफस्टाइल रिलेटेड जो परफ्यूम वगैरह ऐसी चीज़ों पे आप लोगों को अप टू 90% तक का ऑफ मिलेगा। तो अभी डिसाइड कीजिए आप लोगों को क्या लेना है क्या नहीं है। ब्यूटी एंड टॉयज, ब्यूटी रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट और टॉयज आप लोगों को 49 रुपीज़ से स्टार्ट हुए दिखेंगे फ्लिपकार्ट के इस सेल में। तो हम बात करेंगे अभी 5 पॉइंट के, जिस पॉइंट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि इससे आप लोगों के पैसे 100% बचेंगे या फिर आप कोई गलत सामान परचेस करने से बचेंगे। इसको आप 5 टिप्स भी कह सकते हो या फिर 5 बेनिफिट्स भी कह सकते हो। तो दोस्तों, ये दोनों ही सेल के बारे में सेम मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा। फर्स्ट चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ओल्ड मोबाइल परचेस मत कीजिए। आप बोलोगे ओल्ड मोबाइल यहाँ पर कैसे मिलते हैं। दोस्तों, ओल्ड मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को इस सेल में ज़बरदस्ती कुछ मोबाइल चिपकाए दिए जाते हैं जो कि लगभग 1 साल 1.5 साल या 2 साल पुराने होते हैं। वहाँ पे आप लोगों को ऊपर के साइड दिखाई दिए जाते हैं। खासली मैं बात करूँ अमेजोन की, तो अमेजोन सेल में कुछ ऐसे मोबाइल ऊपर के साइड दिखाई दिए जाते हैं। वहाँ पर आप लोगों को दिखाई दिया जाएगा 20,000 प्राइस को ऑफ करके वहाँ पर दिखाया जाएगा 14,000 12,000 13,000। एक्चुअल उस प्रोडक्ट की प्राइस कभी 20,000 थी ही नहीं। उसके बॉक्स पे MRP 20,000 लिखी हुई होती है और उसका स्टार्टिंग ही कुछ 16-17 हज़ार से होती है। लगभग आपके 2-3 हज़ार रुपये यहाँ पे बचने की कोशिश होती है, पर वो डिवाइस लगभग 2 साल पहले या 1-1.5 साल पहले लॉन्च हुआ होता है। तो उससे क्या होगा, आप वो डिवाइस परचेस करोगे तो कुछ ही दिन में आप लोगों का मूड ऐसा बन जाएगा, भाई यार फालतू में ये मोबाइल ले लिया, सेल की वजह से ले लिया, मेरे पैसे बेवजह यहाँ पे फंस गए। फ्यूचर में आप लोगों को कुछ ही दिनों में लगेगा कि भाई यहाँ पे मैंने गलती की है कि ये मोबाइल लेना नहीं चाहिए। तो आप यहाँ पे सोचिए, लेटेस्ट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा लेटेस्ट, और आप लोगों को फीचर सब बातें कंपेयर करने के बाद ही आप डिसाइड कीजिए कि आपको मोबाइल कौन सा लेना है। अचानक सेल पे जाएंगे और देखेंगे कि भाई मोबाइल पे डिस्काउंट है तो ले लेते हैं, ऐसी गलती आप कभी भी मत। सेकंड बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप वो कार्ड रेडी रखिए जिस कार्ड पर आप लोगों को डिस्काउंट मिलने वाला है। मैंने दोनों ही सेल में आप लोगों को बताया ICICI कार्ड के क्रेडिट कार्ड, अमेजोन पे आप शॉपिंग करोगे तो अमेजोन पे ICICI क्रेडिट कार्ड, SBI के क्रेडिट डेबिट कार्ड या फिर एक्सिस बैंक के क्रेडिट डेबिट कार्ड, जिनके भी पास है आप अपने कार्ड रेडी रखिए। कार्ड में उतना सफिशिएंट बैलेंस रखिए जिससे आप कोई भी प्रोडक्ट वहाँ पे ऑफर में ले सकते हो। वहाँ पे आप लोगों को 10% डिस्काउंट अप टू
लगभग 1,500 रुपये तक आपके वहाँ पे पैसे बचेंगे ही बचेंगे। जहाँ पे आप लोग 10,000 का शॉपिंग करोगे वहाँ पे डायरेक्ट आप उस कार्ड का यूज़ करोगे तो वहाँ पे 1,000 रुपये डिस्काउंट डायरेक्टली आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आपके पास वो कार्ड नहीं है तो आप लोगों को टाइम अभी फिलहाल 10 दिन का, आपके फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव किसी के भी पास वो बैंक अकाउंट हो सकता है जिस बैंक अकाउंट पे जिस उस सेल पे वहाँ पे ऑफर है, तो वो कार्ड वहाँ पे रेडी रखे। हो सके तो उनके पास डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड में वो अमाउंट उनके डिपॉजिट करके रखे ताकि वो आप लोगों को ईजीली कार्ड यूज़ करने दे और आपका भी बेनिफिट इसमें हो जाए। तीसरी टिप्स, जो भी प्रोडक्ट कैमरा मोबाइल कोई भी एक्सेसरी कुछ भी आप ले रहे हो उसका प्राइस अभी से देख लीजिए। सेल में बस बवाल किया जाता है कुछ चीज़ों का कि भाई यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे डिस्काउंट दिए जाते हैं, पर एक्चुअल में उस प्रोडक्ट पे आपको लोगों 50-100 रुपये का डिस्काउंट देके वहाँ पे बहुत सारा बड़े बैनर में दिखाया जाता है कि वहाँ पे डिस्काउंट चल रहा है। तो आप लोगों को अभी बताना चाहूँगा, जो भी प्रोडक्ट आप लोगों को लेना है उसका प्राइस अभी से चेक कर लीजिए और जब भी सेल आएगा उसमें आप प्राइस कंपेयर कीजिए और उसके बाद ही उसे शॉप कीजिए। चौथी टिप्स मैं आप लोगों को देना चाहूँगा कि आप लोगों को कोई भी प्रोडक्ट लेना हो सेल के दौरान भी उस प्रोडक्ट को दोनों साइड पे कंपेयर कीजिए, अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे। इससे क्या होगा, कुछ कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो अमेज़न के साथ टाइप करते हैं, कुछ प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट के साथ टाइप करते हैं। आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूँगा कि आप लोग कोई मोबाइल लेते हो तो कुछ मोबाइल पर्टिकुलर अमेज़न पे ही सबसे पहले लॉन्च किए जाते हैं और कुछ मोबाइल फ्लिपकार्ट पे लॉन्च किए जाते हैं। तो जिस मोबाइल के साथ उनका टाइप होगा उस मोबाइल पे या फिर उस एक्सेसरीज पे आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा। तो दोनों ही जगह पे आप प्राइस कंपेयर करने के बाद ही शॉपिंग करें। पांचवी टिप्स मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कोशिश करें सेल के शुरुआती 2 से 3 दिन में आप लोगों को वहाँ पे वो प्रोडक्ट परचेस करना है, क्योंकि मैंने बहुत से सेल में बहुत सी बार देखा है कि सेल के एंड होते होते कुछ प्रोडक्ट के प्राइजेस बढ़ जाते हैं, जो कि आप लोगों को मतलब मान लीजिए सेल के शुरू होते ही आप लोगों को कुछ मोबाइल के प्राइस 10,000 मिल रहे थे तो वही आप लोगों को सेल के एंड होते हुए अचानक से कुछ ही, मैं सिलेक्टेड प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, 11,000 या फिर 10,500 वहाँ पे हो जाते। तो यही कुछ बातें, यही कुछ टिप्स आप याद रखिए, इससे आप लोगों के पैसे बच सकते हैं। और ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल भरी वीडियो आप लोगों को पानी है तो आप लोगों को क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और आगे आने वाली बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना है। उससे क्या होगा, मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो लेके आऊँगा उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाएगा और मैं भी मोटिवेट होता रहूँगा कि आपका प्यार और सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।